उत्साहित हूँ और बहुत धन्यवाद और आभार देता हूँ सुजीत भाई का कि वो यहाँ पर आए और उन्होंने पूरे मन से और स्वतः सामने चलकर इन्होंने केवल और केवल फिल्म के दम पर इन्होंने फिल्म देखी और फिल्म जो बात कहती है, जो सही सार कहना चाहती है हिंदुत्व का, जो राष्ट्रवाद की बात करती है, राष्ट्रहित की बात करती है, राष्ट्र निर्माण की बात करती है, और उसी सुजीत जी आए और उन्होंने पूरे अपने तन और मन के साथ फिल्म को सपोर्ट किया, साथ किया और सबसे इसका आह्वान भी किया कि वो आगे चलकर हर भारतीय, हर परिवार अपने बच्चों को ये फिल्म दिखाए। और मैं बस धन्यवाद कर सकता हूँ आपका आने के लिए और अपना पूरा समर्थन और सहयोग हमें देने के लिए। जी जी, आप क्या कहेंगे, कल आपने फिल्म देखी थी और आज आपने अपने कार्यकर्ताओं को भेजा है देखने के लिए, तो आपने इस फिल्म को समर्थन देने के लिए सोचा, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? इस हिंदुत्व मूवी में जो आपने राष्ट्र के प्रति, अपने समानता, एकता, भाईचारे के प्रति जो आपने काम किया है, ये काबिले तारीफ है। युवा साथी जिस तरीके से डाइवर्ट हो रहे हैं, अपने भविष्य को नाकार करते हुए उनको ऐसे जाल में फंसा दिया जाता है जो अपने देश के बड़े कातिल बन जाते हैं। ऐसे लोगों को सीख मिलने के लिए हिंदुत्व फिल्म जरूर देखें और ये फिल्म अपने परिवार के साथ ज़रूर देखें, क्योंकि उन माता पिताओं को पता नहीं होता कि अपना बेटा क्या कर रहा है। जब बेटा काला काम करके जब घर में आता है तो ये जो परिवार से सदियों से जो हमारा रिश्ता रहता है, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी जाति से जो हमारा एक रिश्ता है, उस रिश्ते पे जो ठेस पहुँचता है, बड़ा दिल दुखता है उस चीज़ से। तो बहुत काबिले तारीफ़ है भाई, जितना मैं तारीफ करूँ उतनी कम है। और इस फिल्म को हर प्रकार से सोशल मीडिया और जितने भी प्लेटफॉर्म हैं पब्लिसिटी होनी चाहिए। और मुझे ये भी लग रहा है क्योंकि फिल्म को कहीं ना कहीं दबाया भी जा रहा है, उन लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि हिंदुत्व जाग चुका है। देश के अंदर जब युवा जाग जाता है ना, तो बहुत कुछ बदलाव कर सकता है। तो मेरे देश के नौजवान युवा साथियों से कहना चाहता हूँ, आप में ताकत है, आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। अगर अपने देश को, अपने देश को साकार करना है, अगर अपने आप को कुछ दिखाना है, तो हिंदुत्व फिल्म को आप जरूर देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जय श्री राम।